नमस्ते साहब जी। चलो आओ साहब जी। उसका रूम वही है? हाँ सर। तुमने देखा था वहां पे? जरूर इसने देखा होगा सर। एक एक डिटेल्स तूने जो जो देखा था सब बता। साहब जी यहाँ कोई आता जाता तो नहीं है वैसे। हाँ पर एक अखबार वाला और एक दूध वाला आता है। आज से ही उन्होंने नौकरी छोड़ी है। और साहब जी उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। कल ही मैम साहब से झगड़ा कर रहा था बाहर। सर मुझे लगता है एक एक करके तीनों को बुलाना पड़ेगा और तीनों से ही पूछताछ करना पड़ेगा। ये मामला मुझे काफी उलझा हुआ दिख रहा है। इतनी आसानी से ये सुलझेगा नहीं सर। इसको सुलझाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना वो तीनों कहाँ रहते हैं? हाँ सर। ये है शौर्य खन्ना। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना तो इनके लिए आम बात है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक जो हैं ये जनाब वही हैं जिनके बारे में वॉचमैन बता रहे थे। समीरा के बॉयफ्रेंड। जी हाँ वही समीरा जिसका खून हो चुका है। पुलिस आएगा। अरे सर आप यहाँ, हमें बता दिया होता आपका काम वैसे ही करवा देते। अरे सर अब आपको हम तकलीफ देंगे? ट्रांसफर तो इन्हें करवाना है। बस वो कुछ दिनों से समीरा मैम दिखाई नहीं दे रही। सोचा यहाँ तो रोज का आना जाना उनका लगा रहता है तो क्यों ना यहीं आके मिल लूं। आपके हाल बहुत कांप रहे हैं। पैसे वालों को भी ठंड लगती है क्या? वो भी गर्मियों के दिनों में। एसी चालू रह गया था ना तो ठंडा हो गया था। एक काम कीजिएगा आप जब जाओ तो चाय नाश्ता करके जाइएगा। मुझे थोड़ा काम है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे सर इतनी जल्दी भी क्या है? आपके चाय नाश्ते का तो बंदोबस्त हमने थाने में किया हुआ है। माफ कीजिएगा मैं चाय नहीं पीता। तो कोई नहीं छुट्टे तो पीते ही हैं। थाने में नाश्ते के साथ छुट्टा भी पी लेना। हमारी मर्जी के बिना तो मैं भगवान भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। आप लोग फालतू में अपना समय जाया कर रहे हो। आप लोग भी अपने काम पे जाएं तो अच्छा होगा। सर ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। मैम मैं भगवान की बात कर रहा था। आप लोग तो लेके जा सकते हो। चल बेटा मेरे वकील से बात कर लो। ये हैं भोला। अरे ये नहीं, ये जनाब जो नीचे बैठे हैं। और भाई दूध नहीं पिलाएगा? सर जी आप दूध पिएंगे? हाँ हाँ पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। मैं पिएंगे भी और पिलाएंगे मैं समझा नहीं सर जी। तूने शेरों वाले काम किए। दूध तो पिलाऊंगा ही मैं तुझे। सर जी मैम एक बार दोबारा बता दो ना प्लीज। सर जी ज्यादा ना चाणा मत बन।
सर जो पूछ रहे हैं चुपचाप बता दो, वरना दूसरे ऐसे मलाई निकालते हैं ना, मोड़ मोड़ के तेरा भी मलाई निकाल देंगे। मैम मलाई निकालने के लिए थाने जाना जरूरी है? चलता है कि नहीं चुपचाप थाने? मैम मेरा तो नाम ही बोला है। सर जी मैं कुछ कर सकता हूँ? शकल से बोला, नाम बोला, सब कुछ बोला। बहुत तेज हो रहा है तू, निकालूं मैं मलाई तेरी यहाँ? नहीं सर जी, मैं समझाइए ना सर को। सर जी माफ कर दीजिए सर जी, मैंने कुछ करा नहीं सर जी, मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं करा। चल थाने चल। देखो अभी ये बात गलत है, मैं मेरी इज्जत के बिना ना कहीं नहीं जाता, और थाने तो दूर की बात है, मेरी इज्जत के बिना मेरी भैंसिया दूध ना दे। चल थाने चल, नहीं तो तेरा यही पोस्टमार्टम कर देंगे हम। अरे मैम आप तो बुरा मान गई, तो मजाक कर रहा था, कैसे लगा मेरा मजाक? बहुत तेज था। दैनिक दैनिक अखबार वाले जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, इनका तकिया कलाम आप खुद ही सुन सकते हैं। ऐसे कैसे सीधे चले आ रहे हैं? हाँ जी पाजी क्या हो गया? अखबार में आया कि तूने अखबार बेचना छोड़ दिया। मैं तो कभी अखबार बेचता ही नहीं था, मेरा बाप भी खेती करता था, मैं भी खेती करता हूँ। फिर तेरे ताऊ ने कल अखबार डाले बिल्डिंग में। सर कौन सी बिल्डिंग? साले वॉचमैन ने मुझे सब बता दिया। अरे अच्छा मैडम जी, वो वॉचमैन? अरे बड़ा संत आदमी है वो तो, उसने बोला होगा तो सच्ची बोला होगा, आज उसको पकड़ने चलते। अबे साले कंप्लेन तो तेरी आई है। अरे सर मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है सर, बहुत अमीर है, और एक बहन है सर ससुराल में, बहुत खुश है सर, और मेरा भाई। क्या हो गया भाई को? अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई तो है ही नहीं, मैं इकलौता बेटा हूँ। और बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन? अरे मैडम जी मेरी मर्जी के खिलाफ तो अखबार भी ना छपे। साला कतई सीएम बन रहा है तू? हाँ सर आपकी फोटो छुपा दूँ अखबार में? सबसे पहले तू गाड़ी में बैठ साले। आज ना इसको पेलते हैं। यार बकचोदी बहुत देते हो। यही तो काम है मेरा यार। तू क्या सोच रहा है? बैठ ना। सर मेरे को लेके जाना है ना, गाड़ी आपका भाई चलाएगा। बकचोदी करना बंद कर, चुपचाप गाड़ी में बैठ। चले जाओ फिर, मैं तो नहीं जा रहा। अरे यार ले चला। और कोई चलाकी नहीं। चलो चले साहब फिर। हाँ चलो। सर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोल। यहाँ पे ना एक गुल्लू कुल्फी वाला है, उसकी तिले वाली कुल्फी बहुत जबरदस्त होती है, खा के देखो मजा आ जाएगा। मेरे को नहीं खानी, चुपचाप चल तू। क्या हो गया? छोड़ो यार मूड ही खराब कर दिया। अब बोलोगे भी तो भी नहीं खाऊंगा। तो रहने दे गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो उतर। अब मैं तो चलाऊंगा, रुकवा लो ये लो। कोई ऐसी जगह लेके चलो जहाँ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ठीक है? ओपा जी मेरे को एक जगह पता है, बहुत बढ़िया है, इधर साथ वाले गांव में ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे एनकाउंटर भी कर दोगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी बाजी कैसी लगी ये जगह? ये कौन सी जगह है?
और कोई जगह ना मिली तेरे को? सर जी अब क्या कर सकते हैं, अब आ गए हैं तो आगे की कार्रवाई कर लेते हैं। और सर पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बंदोबस्त? तेरा बंदोबस्त तो मैं करता हूँ, रुक जा। अरे ओ बाबली पूछ, तीनों आ जाओ, खड़े हो जाओ लाइन में। तेरों को अलग से बताएंगे क्या, चल जाओ उधर। अबे ओए बैठो नीचे। अरे सर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। तू रहने दे, तू मत बोल, बड़ा आया बोलने वाला। अच्छा ठीक है बोल ले तू। छोड़ो यार मूड ही खराब कर दिया, मेरे को बोलना ही नहीं है। तेरे को अलग से इनविटेशन दूं बैठने के लिए? है सर मैं यहाँ बैठूंगा, अच्छी जगह चाहिए बैठने के लिए मुझे। अच्छा यहाँ नहीं बैठेगा बेटा तू? तेरे लिए सोफे गद्दे ले आऊं मैं? सर ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। सर आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो ना मैं बोल ही देता हूँ। पता है क्या, इतना टाइम पड़ा हमारे पास, इतना टाइम लग जाएगा, हम ना कंचे खेलते हैं। ये बोला आपकी टीम में, ये मेरी टीम में। हाँ। मैडम आप छेद करो, कंचे लेके आते हैं हम। कंचे लावत हैं, चलो बड़ा बैठो। कंचे खिलाती हूं मैं तुझे, कंचे खिलाती हूं मैं तंजली तुझे, मैं कंचे खेल ले। हां अभी जाओ करते रहो, अब तो बोलोगे तो भी नहीं खेलूंगा। बाय भी नहीं खेलूंगा। कंचे खेल खिलाती हूं मैं कंचे, कंचे खेल। सर थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? और भाई तुम दोनों को भी कुछ चाहिए? नहीं सर। और भाई लोग में से जिसने भी खून किया ईमानदारी से आगे आ जाओ। तुमने खून करा तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया, वो धमाल चल रही है क्या यहाँ पे? तुम तीनों में से जिसने भी खून किया चुपचाप बता दो। अरे सर हवाई दूध वाला कैसे खून करा तूने? मैं साहब टाइम वेस्ट कर दिया। अभी तो आपने बोला उसने खून किया। अरे मेरा मतलब है इसने खून नहीं किया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सर अभी तो आपने बोला मैंने खून नहीं किया। अरे मेरा मतलब है तुम तीनों में से किसी ने खून किया है जो अभी तक साबित नहीं हुआ। ओ साले तीनों को तीनों। हाँ दूध वाले चल बता तूने क्यों खून किया। मैं आपको सच 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 ही बता बेटे। को हमारी छोटी छोटी बाल बच्ची भैंस की कसम गाय की कसम, ठीक है? तो शुरुआत यहाँ से हुई। हम जा रहे थे साइकिल पे आराम से गुनगुनाते गाना गाते, साथ में थी हमारे दूध। तेरी भैंस दूध बहुत देती है, आगे बता। हमने अंदर जाते वक्त हमने वो वॉचमैन को कराया शी, क्योंकि वो हमारा अच्छा दोस्त है। फिर हमने आगे जाके वहाँ घर के आगे साइकिल रोके, अपनी स्टैंड लगाया, दूध की अपनी बाल्टी उठाई और अंदर चले गए। फिर हमने देखा वहाँ मैम नहीं है, तो हमने खटखटाया दरवाजा, आवाज़ लगाई, मैम नहीं मिली, तो हमने वहाँ पे दूध रखा, हम आ गए। और हाँ मैम उसके बीच हमने इसको देखा, हमारे वाले को, ये वहाँ से घबराता हुआ आ रहा था बहुत तेज, जैसे इसके ने कुछ कांड कर दिया। तो तू क्या बोलना चाह रहा है? मैम तूने नहीं करा? बोलना कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैम खून मैंने नहीं लिया, मैं उनका नाम बोला कर सकता हूँ। बोला बहुत बोला मासूमियत टपक रही है तेरी शक्ल से। मैं सच बोल रहा हूँ। दूध देने गया था कि कुछ और करने गया था? नहीं दूध ही देने गए थे, वहाँ से आ भी गए थे वापस। अच्छा तो तूने किसको देखा? इसको अखबार वाले को देखा, एक घबराया हुआ था। अभी अखबार वाले जी मैम क्या करने गया था वहाँ? मैं तो अखबार देने गया था मैम, अब इसकी अखबार डालू ऊपर से, मैं घबराया नहीं हुआ था, ठीक है ना? मैंने उनसे पैसे लेने थे, पिछले 2 महीने के पैसे नहीं दिए उन्होंने। मैंने जाके दरवाजा खटखटाया तो फिर कोई भी नहीं बाहर आया। मैंने चलो अखबार डाल दी, ठीक है नीचे से, और जब वो मैं दोबारा से खटखटाया कोई भी नहीं आया, तो फिर मेरे को गुस्सा भी आया। ये मैम मैंने इसे देखा, ऐसी बात नहीं है।
तो मैडम मैं वहां से गुस्से गुस्से में चला गया, कोई भी नहीं आया। तो तूने गुस्से से समीरा मैडम का खून कर दिया। मैं भी दरवाजे में चाकू डालूंगा। कितने महीने के पैसे बाकी थे तेरे? 3 महीने के, ये तीसरा महीना है। अरे बेटा तो तूने इसकी वजह से खून कर दिए। मैडम मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अखबार डालता हूँ। चोरिया नहीं डालता हूँ, सामने चल पीछे से निकालती हूँ अखबार। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं किया, लग जाएगा। मैंने नहीं किया, मैंने किया ही नहीं। आई मीन हां बेटा तुम बताओ, सूट तो बहुत अच्छा पहना तुमने। तेरी है? मेरी है। और बता क्या करने जाता था समीरा के घर? समीरा मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड थी? हां गर्लफ्रेंड थी तेरी, तो खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। तो किसने किया? पता नहीं। कितने दिन से चल रहा था? 3 साल। 3 साल? 3 साल से चल रहा था। तो कब मिला था समीरा से लास्ट? अभी एक दिन पहले। खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। अच्छा बेटा, वॉचमैन ने ना हमें सब बता दिया है। हाँ मैम, मैं जब लास्ट उससे मिला था तो गेट के पास छोड़ के उसे चला गया था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा तो तू उसके कमरे के अंदर नहीं गया? गया था मैम। क्या करने गया था? मैम वो अपना पर्स भूल गई थी गाड़ी में, पर्स देने गया था। तो बेटा तू पर्स वॉचमैन को दे देता, समीरा के रूम के अंदर क्यों गया? मैम मैंने सोचा मैं ही दे आता हूँ। अच्छा तो संबंध कैसे थे तेरे उसके साथ? मैम सब कुछ ठीक चल रहा था अब तक। अब तक? तो उस दिन ऐसा क्या हुआ? मैम उस दिन मेरे को उसके कलीग्स के द्वारा पता चला कि उसकी शादी हो रखी है पहले से, और वो मुझे चीट कर रही थी। वो चीट कर रही थी और तूने उसे मार दिया है ना? जी नहीं सर, मैंने मारा नहीं उसे। तो वो चीट कर रही थी, तुमने सोचा उसको मार के अपना बदला पूरा कर लेते? नहीं सर ऐसा नहीं था, उसने मुझे बताया नहीं था कि उसकी पहले से शादी हो रखी। इस बात को जब मेरे को पता, मुझे बहुत बुरा लगा। तो बेटा तुझे पता है वो किसकी बीवी थी? मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था मैम कि आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं है। खत्म कर दिया, मैं चला गया। समीरा के धोखे से तू इतना बेकाबू हो गया कि तूने उसके पेट में छुरा भोंक। नहीं मैम, मैंने उसके पेट में छुरा, मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास खुद की कंपनी है। बेटा तू पता है तू किसके सामने खड़ा है और तूने किसकी बीवी का खून किया है? मैं नहीं जानता ना सर जी। पहले तो इसकी तलाशी लो। सर कुछ पैसे वगैरह? पैसे? सर रिश्वत दे रहा है। मुंह मनने सिखाएगा? सर चश्मा हाथ बकट साला चोर। महंगा लग रहा है। ये तो समीरा के लग रहे हैं। तुम्हें कैसे पता ये समीरा की है? बीबी थी मेरी। ओ भाई मुझे पता नहीं रहेगा मेरी बीबी का क्या है क्या नहीं है। वो आपकी बीबी थी? तूने बेटा गलत जगह हाथ मार दिया, ठीक है ना? मैं सब सच सच बताऊंगा सर, मैंने मारा नहीं है उसे सर। जब मैं उसको छोड़ के गया और मैं जा रहा था तो मेरे को गाड़ी में उसका पर्स दिखा, मैं पर्स वापस करने जा रहा था बस। जब पर्स वापस करने गया सर तो वो मेरे को भागने के लिए बोल रही थी वहाँ से, आपको धोखा देने के लिए। तो सर मैंने उसको मना कर दिया, मैं जा रहा था तो जबरदस्ती कर रही मेरे साथ। ये सुनो ना। क्या है? क्यों गुस्से कर रहे हो यार? सुबह से तुम गुस्सा मैं कर रहा हूँ? हाँ इन हरकतों पे कौन गुस्सा नहीं करेगा? कौन सा ये हरकत है कि तुम्हारे हस्बैंड है? तुमने मेरे को अब मेरे को पता चला, वो भी तुम्हारे थ्रू नहीं, लोगों के थ्रू पता पड़ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड है। ठीक है ना, उसको मैं छोड़ने वाली हूँ यार। ठीक है ना, तुम भी फोकस कर रही हो ना तो सो नहीं कर रहे हो। फोकस मत करो, मुझे तुम्हारा फोकस नहीं चाहिए अभी। ओके सब कुछ खत्म है हमारे बीच, आप आसमान में सलाम मत करो। मेरी बात सुनो, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनिया, तुम पागल हो? ये धक्का क्यों मार रहे हो यार? तुम्हें बात का तुम धक्का सर मैंने एक दो थप्पड़ मारे और मैं वहां से चला गया। तो जाते जाते मेरे को लगा कि
थोड़ा वापस लौट के थोड़ा उसको सुना जाऊँ अच्छे से। तो मैं वापस गया, और जब मैं वापस गया तो वो पहले से मरी डली थी। तो तू वहाँ से घबरा के क्यों निकला बता? सर मैं डर गया था। किस चीज़ से डरा तू? सर उसको देख के डर गया था। तूने खून करा? मैंने खून नहीं किया। भाई जल्दी कबूल कर ले, मेरे को खेत भी जाना है। तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है हाँ? तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है हाँ? तो बस सर। क्या बस? मैं डर गया था कि कहीं ना इल्जाम मेरे ऊपर ना, जबकि मैंने खून नहीं किया सर। हमको तो लग रहा है इसी ने मारा है। मैंने नहीं मारा उसे। वो काम पुलिस का है बेटा, तू चुप हो ले। तो मुझे ना वॉचमैन ने बताया कि तुम वहां से घबरा के जा रहे थे, और मैंने ये भी देखा कि तुम दोनों वहां झगड़ रहे थे रोड पे। सर झगड़ा हमारा इसी बात को लेके था। किस बात को लेके? सर मैं उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ना चाहते थे इसलिए दुनिया से छोड़ दिए उसे। सर मैंने नहीं मारा उसे। बेटे तुमने मारा है, तुम्हारे पॉकेट से मिले उसके इयररिंग्स। तुम्हारे पॉकेट्स में क्या कर रहे थे उसके इयररिंग्स? मैम यकीन करो मेरा, मैं क्यों मारूं? यकीन करूं मैं तेरा? यकीन करूं मैं तेरा? सर मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसों की कमी नहीं है हा? किसको बता रहा है तू पैसों की कमी नहीं है हा? मुझे लग रहा है इन दोनों ने खून नहीं किया। सर इसी नहीं मारा, ये घबराया हुआ है, इसी ने खून करा है। इन दोनों को छोड़ देते हैं और इसको थाने लेके चलते हैं। मैम मैंने खून नहीं किया मैम। हम जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, चलो निकलो तुम। चलो तेरा ताऊ मैं। नहीं नहीं सुन, दूध दिला दे। बेटा तेरा सारा हिस्ट्री मैंने जान लिया। तूने पैसे देके और से मरवाया ना उसे? साहब मैंने, मैम समझाओ ना मैम। समझाओ इसे, इसे समझाओ, इसे समझाओ। आप गाड़ी लेके आओ। ओए रुक जाओ, मैं तो गोली चला दूंगा, रुक जा। हेलो सर। सर सौर खन्ना इनकाउंटर में मारा गया। जी हाँ सर। ओके सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने समीरा को नहीं मारा, मुझे जाने दो। ये तो मुझे भी पता है तुमने नहीं मारा, और तुझे भी पता है तुमने नहीं मारा। उसकी कर्मों की सजा तो मैंने उसे दे दी, तुम्हारी बारी है। इसका मतलब समीरा को तुमने मारा था साले कुत्ते। किससे बात हो रही है? आप तो नहीं। क्यों मैं नहीं आ सकता? नहीं आप आ सकते, आप अचानक से भी बताया नहीं आ रहे। मैं बता के आऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा, ये घर सिर्फ तुम्हारा ही है। किससे बात हो रही है? ऑफिस का लिखा है, फोन दिखा। कौन दिखा? कौन है? कुनाल गलत समझ रहे,
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कुना। कौन है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कुना, उन्होंने आप गलत समझ रहे कुना। मैं गलत समझ रहा हूँ? इतने पैसे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे? वही आपसे दे रहा था मैं। बताने वाले थे कुना ना, अब कुना ना मुझे बताने वाले थे। तुम समझ नहीं रहे ना, मुझे बताने वाले थे कुना ना, समझ नहीं रहे। कब बताती मुझे? मैं आपको बताने वाले थे कुना, कब मुझे, मैं मर जाता तब बताती। देख मेरे को ना मत सिखा कुना ना, समझ नहीं रहे कुना। मैं सब जानता हूँ तेरा कारनामा, मुझे बताइए नहीं कुना ना, समझ नहीं रहे कुना कुना ना। तू उसी के साथ ऐसा कर अब ना, ऊपर जाके उसे मिल लो, उसे भी भेज रहा हूं मैं। अब ऊपर जाके रोमांस करना दोनों साथ में।